दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत की मुखिया सरोज देवी के द्वारा सिकरपुर मध्य विद्यालय में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड में रह रहे लोगों के लिए प्रतिदिन 3 टाइम भोजन की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, आइसोलेशन वार्ड में रह रहे लोगों को निगरानी में रखने के लिए गोविंदपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद के द्वारा एक चौकीदार को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही मुखिया द्वारा गरीब जरूरतमंद भूखे लोगों को भी अलग से 2 टाइम भोजन दिया जा रहा है। मुखिया सरोज देवी ने बताई कि हमारे पंचायत में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए शिकरपुर मध्य विद्यालय में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है तथा उन्हें हर संभव मदद किया जा रहा है। उनके लिए अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। साथ ही पंचायत के अन्य गरीब जरूरतमंद भूखे लोगों को भोजन भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुखिया ने अन्य सामग्री का भी वितरण किया, जैसे डिटॉल, साबुन, मास्क समेत सैनिटाइजर का भी वितरण अपने पंचायत के लोगों के बीच किया है। अभी तक तो जितना सुविधा हो सका हम लोगों को देने का प्रयास किए हैं। लोगों में मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं और लोगों को दूरी बना के रहने के लिए भी बोले हैं, साबुन बांटे हैं और खाद्य सामग्री भी बांटे हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ, चावल, आटा और दाल और आलू। आइसोलेशन वार्ड भी बनवाए हैं? हाँ, 20 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और 20 बेड का बना, 20 बेड का। अच्छा, अभी तक कितने मास्क और साबुन का वितरण किए हैं? 300-400 के लगभग कर चुके हैं। आगे आपका क्या है? आगे जहाँ तक हो सकता है लोगों को और सुविधा देने की कोशिश करेंगे, लोगों के बीच अनाज और वितरण करेंगे, जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। कोरोना को लेकर सर आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किससे कैसे बचाव होना चाहिए कोरोना से? लोगों को बोले हैं कि घर से कम निकला कीजिए, लोगों से दूरी बना के रखिए, चेहरे पे मास्क लगा के रखिए, हाथ को हमेशा धोते रहिए और सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया था उन्होंने, 1 मीटर की दूरी बताया है। लॉकडाउन जो भी हुआ है मैम, उसमें आपका क्या संदेश है ग्रामीण वासियों से, लॉकडाउन का पालन किस तरह करना चाहिए? लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, घर से कम निकलेंगे तो सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे सेफ रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर लोगों के संपर्क में आएंगे तो इससे बीमारी और बढ़ने का संभावना है। इसलिए लोगों से अपील है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आगे अच्छा, आपका आइसोलेशन वार्ड में खाना भी दिया जा रहा है? हाँ, हमारे उसके अलावा रहने का है, साबुन भी वहाँ पे है। नहीं नहीं, और आम गरीब जनता लोगों के साथ, वहाँ मरीज के साथ और आम जनता भी खा पी रहे हैं वहाँ पे। लगभग कितने लोग प्रतिदिन खा सकते हैं? प्रतिदिन 100-150 के लगभग खा रहे हैं। कितने टाइम भोजन दे रहे हैं? 3 टाइम। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।